पीएम मोदी ने यूएन सेक्रेटरी से की बातचीत, कांगो हमले की जांच सुनिश्चित करने का किया आग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की, अनाथ अनुदान में 3 गुना की बढ़ोतरी। बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक आज से पटना में होगी शुरू, जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, दिल्ली यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। भारत की जीत से शुरुआत, पहले मैच में वेस्टइंडीज 68 रन से हारा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में आयुक्त राज्य सूचना आयोग अजय कुमार उप्रेती ने कमिश्नरी सभागार में जन सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें मीडिया को उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है। अलीगढ़ मंडल भ्रमण के दौरान उनके द्वारा 2 दिन में 8 घंटे और 5 घंटे लगातार सुनवाई करते हुए 25 और 130 कई तरह के मामलों पर सुनवाई कर 95% मामलों का निस्तारण कराया गया। आयोग किस तरह से काम कर रहा है, नंबर एक। और जो है प्रेस वार्ता का, देखिए ऐसा कोई उद्देश्य इस तरह का नहीं था। हम लोगों ने जो ये प्रेस वार्ता करी तो इससे ये पता लगे कि कितने पे दंड अधिरोपित हुआ, कितने जनसूचना अधिकारी आए, और आयोग जो है एक्ट के अनुपालन के लिए जो है कितनी तत्परता से सक्रिय है। अधिकारी मैं अलीगढ़ मंडल में पूरी, मैंने आप अलीगढ़ जिले में तो अभी 10 लोगों के मैंने नाम आपको पढ़ के बताए, और मंडल में 48, पूरे अलीगढ़ मंडल में 48 लोगों पे लगा है, ये मार्च से अब तक है। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में आज भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण सेवा समिति ने 1971 की वर्षगांठ के मौके पर पूर्व सैनिकों को नम आंखों से याद किया। कार्यक्रम के दौरान कर्नल जनरल सहित प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई, साथ ही उनके परिजनों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शहीद 1971 में हुए थे उनके परिजनों को आज सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा, समिति के द्वारा यहाँ पर 5वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है, उसमें जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल श्री विशंबर दयाल जी और बाकी जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं वो सभी यहाँ पे उपस्थित रहे और उन्हीं को सम्मानित किया गया। जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहन हैं, शहीदों के जो परिवार हैं उनको सम्मान किया गया, जो कारगिल युद्ध में एवं अन्य युद्धों में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। 1971 की जंग एक बार फिर ताज़ा सी नज़र आ रही है, किस तरीके का जोर दिखाई दिया फौजियों में? सभी फौजी जो हैं बहुत ही उत्साहित हैं और उन सभी का जो है यहाँ पे सम्मान किया गया है। संभल के असमोली विधानसभा क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी संक्रमण में लगातार मौतें हो रही हैं। इस बीमारी की वजह से हो रही मौतों से गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वालों का आरोप है कि इस पूरे संक्रमण का कारण जल प्रदूषण है, जो हमारे गांव और आसपास के गांवों में फैला हुआ है, जिसका असर हमारे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों और महिलाओं तक में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी जैसी भयानक बीमारी अब एक बड़ा रूप ले चुकी है। 30-40 मौतें हो गई हैं काली पीलिया से, और कोई बीमारी नहीं किसी को भी। काला पीलिया बहुत बन रहा है, हमारे भाई हैं फुफेरे उनको भी काला पीलिया। अच्छा, आपके घर में कितने काले पीलिए के बीमार मरीज हैं? फिलहाल तो बोई थे और जांच कराई तो शायद और भी लिख लेंगे, जांच कराई है। अच्छा, इसी वजह से जांच कराई है। 2 फुफेरे भाई काले पीलिए में हैं हमारे, इस टाइम इलाज चल रहा है। अच्छा, ये काले पीलिया किसकी वजह से हो रहा, मतलब
किसकी वजह से हो रहा है? ये मील है हमारे यहाँ पे, सिर्फ इसकी वजह से काला पीलिया हो रहा है। ये दो साल से लगातार बीमार है। अच्छा, उनका शिकार ज़्यादातर काले पीलिया की थी। अच्छा, बीच में इनके दवाई ववाई चल रही थी पंच से दिल्ली, तो उधर से दवाई चल रही थी। अब इतनी इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि क्या बोलते हैं लोग इधर के, क्या हार्ट काले पीलिया ना हार्ट पकड़ लिया, दिल पकड़ लिया, हमें तो पता ना, कोई डॉक्टर तो है नहीं हम। अब पूरा जब डॉक्टर यहाँ कह रहा दिल पकड़ लिया काले पीलिया ने। बदायूं के कस्बा अलापुर के वार्ड नंबर 12 के मोहल्ला जोगियावर में एक पाकड़ का पेड़ जमीन पर गिरा हुआ है। अचानक कटा हुआ पेड़ जमीन से उठकर अपने आप सीधा खड़ा हो गया। जब ये खबर बस्ती के लोगों को मिली तो वो इसको देखने के लिए उमड़ पड़े और सभी लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें भी मांगनी शुरू कर दी। हुआ पाकड़ का पेड़ अचानक से एकाएक सीधे नदी के बीचों बीच खड़ा हो गया, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी हुई, वहां पर जो बस्ती के आसपास के लोग थे उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया और सभी ने मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। अब ये तो हकीकत ही बता पाएगी कि वाकई में ये कुदरत का करिश्मा है या फिर लोगों का भ्रम है, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जब से लोगों को ये जानकारी हुई है, वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में चांदहर थाना क्षेत्र मके पलवल में धोखे से न्यूड वीडियो फिल्म बना और फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर 1,00,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके उससे गहन पूछताछ के लिए उसको रिमांड पर लिया जाएगा और आरोपियों के अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। हमारे साइबर इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्यवान की टीम ने आरोपी साजिद पुत्र अली मोहम्मद गांव टेक थाना कुनाना जिला मेवात को गिरफ्तार किया है। ये इसमें 5-6 आदमी हैं और न्यूड पिक्चर बनाकर अपने किसी आदमी को फर्जी सिम के द्वारा उस आदमी को ठगी के शिकार में फंसा लेते हैं। पिक्चर को यूट्यूब में डालने की धमकी देकर सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर, पुलिस का फर्जी इंस्पेक्टर बनकर उस आदमी को डरा धमका कर अपने खाते में पैसे डलवा लेते हैं। इस प्रकार का ये ठगी का धंधा करते हैं। रामपुर में 27,00,000 का बकायेदार गफ्फार हुसैन के घर पुलिस और राजस्व प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान थाना सिविल लाइन प्रभारी लव सिरोही, तहसीलदार प्रमोद कुमार, नायब तहसीलदार संजय कुमार मौजूद रहे। वहीं जानकारी के मुताबिक बकायेदार गफ्फार हुसैन ने भारी पुलिस बल को देख अपने घर की छत से छलांग लगा दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने गफ्फार हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरवा थाना क्षेत्र में बेहद तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने एक सवारियों से भरे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और टेम्पो सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स और सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक्सीडेंट जो है इनोवा और उससे टेम्पो से हुई है और इनोवा वाले टेम्पो में बड़ी जोरदार आमने सामने टक्कर मारी है, जिसमें जो है ये हमारे गिरवा के मोड़ की घटना है और इसमें 6 लोग ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं और 7 लोग इंजर्ड हैं, उनके इलाज के लिए हम लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। सर, कौन लोग थे, कहाँ से कहाँ जाए, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी डिटेल जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, इसी हमारे नरनी तहसील के ही लोग हैं जो मृतक और घायल हैं, मसूरी और हुसैनपुर के लोग बताए जा रहे हैं। देखिए, एक नरेनी की तरफ से एक इनोवा आ रही थी हाई स्पीड में और उल्टे साइड से एक ऑटो जा रहा था और जो इनोवा थी उसमें टक्कर मार दी और उसका जो ड्राइवर था वो ड्रंक था। तत्काल ड्राइवर को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है। इसमें अभी 6 लोग की डेथ हुई है और 7 लोग अभी घायल हैं
घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने भर्ती करा दिया है, जहाँ सकुशल उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर सभी मौके पर सभी अधिकारीगण हैं, कई थानों की हम लोग की फोर्स थी, तुरंत हम लोग का स्विफ्ट रिस्पांस था। घायलों को हम लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुँचाया, बॉडी को मॉर्चरी पहुँचाया, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहा। आगे हम लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, सभी का हाल चल रहा है। गोंडा में थाना कोतवाली कर्नलगंज के कस्बा कर्नलगंज में कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर एक युवक को दिन दहाड़े दबंगई से रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया, लेकिन वहां पर मौजूद लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, जिसके बाद पुलिस के ऊपर सवालिया निशान भी अब उठना शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक को बंधक बनाया गया है। चोरी के आरोप में युवक को दिन दहाड़े रस्सी से बांधकर बंधक बनाया गया है। ये तस्वीरें गोंडा जिले के कर्नलगंज से सामने आ रही है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी MBBS डॉक्टर दंपत्ति किराए के मकान में पिछले करीब 5 साल से रह रहे थे। दरअसल वीणा गुप्ता के घर का दरवाजा बंद था, मोहल्ले वालों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वीणा गुप्ता के पिता बेड पर बेसुध पड़े हुए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसमें उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक निकलकर सामने आया है। रामपुर की तहसील बिलासपुर में कावड़ यात्रा के चलते पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बिलासपुर बाईपास पर पुलिस ने 5 युवकों को एक कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तलाशी के बाद युवकों के पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचा, 1 चाकू बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सभी अपराधियों के नाम पर अलग अलग थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान कल बिलासपुर पुलिस द्वारा बाईपास रोड के पास से 5 व्यक्तियों को इनोवा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसको तलाशी हुई है, तो तलाशी में इन व्यक्तियों के पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचा और चाकू बरामद हुआ है। ये सभी व्यक्ति शीशगढ़ बरेली और रुद्रपुर, जो हमारा एडज्वाइनिंग स्टेट है, वहाँ के रहने वाले हैं और इन सभी के विरुद्ध हम लोग जाँच कर रहे हैं कि ये किस पर्पज से यहाँ पर आए हुए थे, क्यों इस तरह से असलहे लेके घूम रहे थे, क्योंकि कांवड़ को लेकर हमारे जनपद में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग के दौरान इन सभी को गिरफ्तार किया गया। फरुखाबाद में विधानसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने अपनी हत्या किए जाने की योजना बनाने में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के रूप में अमृतपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिसमें 6 बच्चे दब गए और 2 बच्चों की मौत हो गई। घायल बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर इलाज उनका किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले की अब जानकारी ली है। दादो क्षेत्र के गाँव हुसैनपुर शहजादपुर से सूचना प्राप्त हुई कि गाँव में बारिश के कारण नव निर्मित दीवार ढहने से गांव के ही 6 बच्चे जो आसपास खेल रहे थे वो दब गए और दबने के कारण 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। जो बच्चे खेल रहे थे उनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच में है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौका मुहैया करने पहुंचे। मृतक के परिवारजनों के साथ संवेदना प्रकट करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रस्तुत की गई है। बाकी बच्चों का इलाज कराया जा रहा है, वो खतरों से बाहर है। मृतक के शव को मॉर्चरी पहुँचा दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।